उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का बी टीम के तौर पर बताया जा रहा था। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश यादव पर बीएसपी नेता आकाश आनंद के हमले के बाद अखिलेश यादव की पोल बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल जी ने खोल दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी उनकी स्क्रिप्ट होती है, वो आरएसएस के तरफ से लिखा जाता है। तो बीएसपी के तरफ से अखिलेश यादव पर बड़ा हमला इन दिनों किया गया, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार बीएसपी के लिए अनाप शनाप पर उतारू रहे। इसका कारण ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से 2022 चुनाव के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती जी की तरफ से एक बड़ी बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें अपने सभी छोटे बड़े नेताओं को ये निर्देश दिया गया बीएसपी प्रमुख मायावती जी की तरफ से कि सभी को जन जन तक जनता के लिए संघर्ष करना है और जनता के बीच में जाना है, और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बड़े स्तर पर बढ़ा के उत्तर प्रदेश के साथ देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना है। इसी मिशन को, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को दी गई, प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार उत्तर प्रदेश में मंडल स्तरीय कार्यक्रम के बाद अब उनका गांव चलो अभियान चल रहा है। इसी सारे कार्यक्रमों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकटू देखकर बहुजन समाज पार्टी के तरफ लगातार सर्व समाज के साथ मुस्लिम समाज बड़े स्तर पर बीएसपी के तरफ जुड़ रहा है। वजह यही है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख को उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वो उनके पास कुछ बयानबाजी करने के लिए है नहीं, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ा बड़ा कारण यही है अखिलेश यादव जी के तरफ कि कहने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करें, तो इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी बीएसपी के तरफ करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है मुस्लिम समाज ने 2022 चुनाव में अपना पूरा वोट देकर देख लिया, लेकिन देखा जब उनकी जीत नहीं हुई, तो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक नैरेटिव बन चुका है कि समाजवादी पार्टी को हम नहीं जिता सकते कितना भी वोट दे लें, क्योंकि जो यादव समाज का वोट है उनके पास है नहीं और हमारे वोट से कुछ होने वाला नहीं है। यही वजह है कि बड़े स्तर पर मुस्लिम समाज बीएसपी के तरफ जुड़ रहा है। अगर मुस्लिम समाज बीएसपी के तरफ ऐसे जुड़ता गया और बहुजन समाज पार्टी के पास दलित समाज का वोट के साथ ओबीसी समाज का वोट आ रहा है, अगर ये सारे सिस्टम बीएसपी के तरफ ये रणनीति तैयार हो गई, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में बेहतर रिजल्ट और बेहतर परिणाम आएगा।